नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वैरिकोज वेन्स के ऊपर, आपको ऑरिकुलर थेरेपी में किस तरीके से वैरिकोज वेन्स का इलाज करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों वैरिकोज वेन्स की ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वैरिकोज वेन्स में आप देखेंगे कि जो नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट का जो बीच का एरिया होता है काफ मसल्स वाला, वहां पर देखेंगे कि जो वेन्स होती जो नसें होती वहां पर गुच्छे टाइप में बन जाते हैं। तो आपको उसका इलाज किस तरीके से ऑरिकुलर थेरेपी में करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। साथ में दोस्तों जिन देखेंगे कि उन लोगों को क्रैम्प्स भी पड़ते होंगे, जो लेग्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हैवीनेस होती हैं, उनका जो वेन्स का कलर जो होता है वो पर्पल टाइप में या ब्लू कलर में भी कन्वर्ट होता रहता है, उस एरिया की जो स्किन होती है वो भी ब्लू या पर्पल कलर में कन्वर्ट होती रहती है। तो उसका आपको इलाज किस तरीके से करना है उसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों कौन से पॉइंट्स आते हैं चलिए हम बात करते हैं। वैरिकोज वेन्स दोस्तों, आपको जो लोकल पॉइंट लेना है, लोकल पॉइंट आपका काफ मसल्स रहेगा जो कि नी ज्वाइंट और एंकल ज्वाइंट के बीच का एरिया रहता है। साथ में ऑर्गन टीसीएम के सिद्धांत से माने तो स्टमक और स्प्लीन, ये दो ऑर्गन्स आते हैं। अब हम स्पाइन पॉइंट की बात करें तो T6, T7, T8 ये आपके स्पाइन पॉइंट्स आएंगे। सिस्टम की बात करें तो वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स, क्योंकि वहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है तो वहां पर आप वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स ले सकते हैं। ब्रेन लोब की बात करें तो ब्रेन लोब में वहां कोई काम नहीं है तो हम ब्रेन लोब नहीं लेते हैं। अब हम चक्रास की बात करते हैं तो लेग्स जो है हमारी वो हमारी रूट चक्रा से जुड़ी हुई है तो आपको रूट चक्रा इसमें लेना है। साथ में सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो यानी कि जो वहां पर मेल्ट करने की पावर है जो कि फायर एलिमेंट भी माना जाता है, तो वहां पर आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा भी लेना होगा, क्योंकि जो ब्लड वहां पे जम गया है उसको मेल्ट करने के लिए आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा लेना पड़ेगा। साथ में एलिमेंट की बात करें तो यहां पर विंड एलिमेंट, क्योंकि वहां पर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, जो ब्लड है वहीं पर जमा हुआ रुका हुआ है, तो वहां पर आपको विंड एलिमेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर जो हम स्पेशल पॉइंट की बात करें तो यहां पर आपको न्यूरोस्थेनिया का पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर नर्व की प्रॉब्लम है तो आपको न्यूरोस्थेनिया भी लेना पड़ेगा। दोस्तों इसके साथ में आप चक्रास की बात करें तो यहां पर आप थर्ड आई भी ले सकते हैं, यहां पर आप थर्ड आई चक्रा भी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि उसकी पॉइंट्स की लोकेशन कहां पर आती है। तो पहला जो पॉइंट्स आएगा आपका काफ मसल्स का आएगा, जो कि लोकल पॉइंट है। तो यहां पर आप देखेंगे ये वाला जो एरिया है ये आपका काफ मसल्स का है। इस तरीके से हमने अगर जो इसको डिवाइड करना है इस तरीके से, तो यहाँ पर आपकी इंटरनल नी आती है, फिर ये काफ, फिर ये एंकल और फिर ये हील, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये आपका काफ मसल्स का है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स, क्योंकि टीसीएम के सिद्धांत से हमने देखा है तो ऑर्गन्स आपका स्टमक और स्प्लीन आता है। तो यहाँ पर आपका स्टमक का पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका स्प्लीन, ये स्प्लीन है और ये आपका स्टमक का पॉइंट है। अब हम बात करते हैं स्पाइन पॉइंट की, तो यहाँ पर T6, T7, T8, तो ये दोस्तों तीनों एक साथ पॉइंट हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम गड़बड़ है तो उसकी वजह से वो जो वेन्स हैं तो वहाँ पर ब्लड रुका हुआ है। तो यहाँ पर आपको वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स ले लेना है, ये आपका वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट वेस्कुलर सबकॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं ब्रेन लोब की, तो ब्रेन लोब इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पर आपको ब्रेन लोब लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं चक्रास की, जो काफ मसल्स जो हमारी लेग्स हैं वो हमारे रूट चक्रा से ज्वाइंट है, तो यहाँ पर आपको रूट चक्रा ले लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा
ये आपका पॉइंट यहाँ पर अंदर की तरफ आ जाएगा। अब बाय चांस ये आपका पॉइंट यहाँ नहीं लगता है तो आप इसके बाहर यहाँ पे भी लगा सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी लेना है, क्योंकि नर्व की प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ पर आप थर्ड आई चक्रा भी ले सकते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका थर्ड आई चक्रा। साथ में आपको यहाँ पर एक और चक्रा लेना है जो कि सोलर प्लेक्सस चक्रा है। तो क्योंकि वहाँ पे जो सर्कुलेशन जो वो गुच्छा बना पड़ा हुआ है नसों का, तो वहाँ पर मेल्ट करने के लिए जो वहाँ पे ब्लड जमा पड़ा है उसको पतला करने के लिए यहाँ पर आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसे हम फायर एलिमेंट के भी नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो यहाँ पर आपको विंड एलिमेंट की जरूरत होगी क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो सारा का सारा गुच्छा जो है वो जमा पड़ा है। तो यहाँ पर आपको विंड एलिमेंट की लेने की ज़रूरत है जो कि हार्ट का पॉइंट है। आप ये वाला जो पॉइंट है इसे हम हार्ट चक्रा के नाम से भी जानते हैं, और प्लस आपको ये हार्ट यानी कि जो एलिमेंट है ये विंड एलिमेंट भी माना जाता है। अब आपको स्पेशल जो पॉइंट लेना है, स्पेशल पॉइंट आपका न्यूरेस्थेनिया आएगा, तो यहाँ पर आपको न्यूरेस्थेनिया का पॉइंट है। अब आपको किस तरीके से ऑरिकुलर थेरेपी के पॉइंट्स लगाने, चलिए अब हम देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ऑरिकुलर थेरेपी के सीड्स होते हैं और ये जिम्मी होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स आपको किस तरीके से लगाने हैं। तो पहला आपका पॉइंट जो है वो आएगा काफ, तो यहां पर इस तरीके से आप लगाएंगे सीड को, और ये जो काफ एरिया का पॉइंट है आप इसे इस तरीके से लगा देंगे। फिर उसके बाद में आपका पॉइंट आता है स्प्लीन एंड स्टमक का, तो यहां पर ये आपकी स्प्लीन आती है, तो ये आपकी स्प्लीन का पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं स्टमक की, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया ये आपका स्टमक। अब उसके बाद में हम बात करते हैं स्पाइन पॉइंट T6-7-8, तो T6 T7 और ये आपका T8, तो ये यहाँ पर आपका T8 आ गया। अब हम पॉइंट लगाते वेस्कुलर सबकॉर्टिस जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए होता है, तो ये वाला जो पॉइंट आ गया ये आपका वेस्कुलर सबकॉर्टिस जो कि ओवरी के साथ में पॉइंट होता है। आपको मैंने बताया कि ब्रेन लोब लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हम चक्रास की बात करते हैं, तो चक्रास में आपका थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा, तो इस तरीके से ये थर्ड आई चक्रा हो गया। फिर आपको लेना है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हो गया। फिर आपको लेना है रूट चक्रा, ये इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये आपका रूट चक्रा हो गया। एलिमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पॉइंट जो आएगा विंड एलिमेंट, फिर स्पेशल पॉइंट आपका न्यूरेस्थेनिया, ये इस तरीके से। ये जो प्रोटोकॉल है ऑरिकुलर थेरेपी की है, ऑरिकुलर थेरेपी में वेरिकोज वेंस का इलाज है। दोस्तों जिन लोगों को वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये ज़्यादातर वीडियो शेयर करें, देखें। अगर जो आपको समझ में नहीं आता है तो पॉज करके उस पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। और दोस्तों अगर जो आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास आसानी तरीके से मिल जाए।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सीखा वेरिकोज वेन्स का इलाज। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।